इसराइल पर हमले के बाद आतंकी संगठन हमास का नाम इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमास के हमले में इसराइल के 1000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई है और दर्जनों इसराइली लोगों को हमास ने बंधक बना लिया है। इसके बाद इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें हमास के लड़ाके तो मारे गए लेकिन साथ में गाजा पट्टी में रहने वाले हजारों आम लोग भी मारे गए। यानी अब तक दोनों ओर के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो सवाल ये है कि आखिर हमास ने इसराइल के साथ युद्ध क्यों शुरू किया है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि हमास संगठन का इतिहास क्या है, इसे कब और किसने बनाया था, इसे बनाने के कारण क्या थे और हमास इसराइल से चाहता क्या है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब इसराइल और फिलिस्तीन संघर्ष कोई नया नहीं है, इनके संघर्ष की कहानी दशकों पुरानी है। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये इसराइल है, ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा का इलाका है। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये वेस्ट बैंक और ये गाजा पट्टी हमेशा से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का कारण रहा है। क्यों? तो जब इसराइल का निर्माण हुआ था 1948 में, तब इस भाग को ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन कहते थे, लेकिन ब्रिटेन ने अपने वादे के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस भाग का विभाजन करके ये पीले रंग वाला भाग इसराइल को दिया गया और ये काले रंग वाला भाग फिलिस्तीन को दिया गया। लेकिन इस बंटवारे के तुरंत बाद इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हुआ 1948 में ही, जिसमें फिलिस्तीन की तरफ से अरब देश लड़ रहे थे। लेकिन इस युद्ध में इसराइल जीत गया और इसराइल ने फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा भी कब्जा लिया और उसमें रहने वाले लाखों फिलिस्तीनी लोगों को निष्कासित करके इसराइल ने उन्हें भगा दिया। फिर 1967 में दोबारा युद्ध हुआ, जिसे 6 दिन का युद्ध कहते हैं। उस दौरान भी इसराइल ने लाखों फिलिस्तीनी लोगों को भगा दिया। अब इसराइल से निकाले गए फिलिस्तीनी लोग आसपास के अरब देशों में शरणार्थी शिविरों में रहने लगे। इस मैप में आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी लाल रंग के निशान हैं वो सब फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर है। आज इनकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो इस तरह से ये लोग कुछ जॉर्डन में, कुछ लेबनान में, कुछ सीरिया में और बाकी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहने लगे। फिर इसके बाद इसराइल से अपना बदला लेने के लिए इन फिलिस्तीनी लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाए। जैसे साल 1959 में इन्होंने फतह नाम का संगठन बनाया था, जिन्होंने इसराइल पर सैकड़ों हमले किए थे। फिर साल 1964 में इन्होंने PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इन्होंने भी इसराइल पर खूब हमले किए और इसी तरह आगे जाकर इन फिलिस्तीनी लोगों द्वारा हमास संगठन का निर्माण किया जाता है। अब इसराइल और फिलिस्तीन विवाद में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर है। उसमें उग्रता का एक चैप्टर है हमास, जिसे एक उग्रवादी और कट्टरपंथी इस्लामी संगठन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसराइल और पश्चिमी देशों ने इस हमास संगठन को एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। असल में साल 1987 में कुछ उग्रवादी फिलिस्तीनी लोगों द्वारा हमास नाम का एक संगठन बनाया गया था, जिसका पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, जिसका मतलब है इस्लामिक रेजिमेंट मूवमेंट यानी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। इस इमेज को देखें, यह है शेख अहमद यासिन, एक फिलिस्तीनी मौलाना थे और इन्होंने ही इस हमास संगठन का गठन किया था, क्योंकि साल 1987 में फिलिस्तीन में इंतफिदा शुरू हुआ था। अब इंतफिदा अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है सामने वाले को हैरान परेशान कर देना। तो ये इंतफिदा आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो इस आंदोलन का मकसद था इसराइल से आज़ादी हासिल करना, क्योंकि जब इसराइल का निर्माण हुआ था तब ये वेस्ट बैंक, ये गाजा पट्टी और ये पूर्वी यरूशलेम पैलेस्टाइन का हिस्सा था। लेकिन बाद में युद्धों के दौरान इसराइल ने इन सब पर कब्जा कर लिया था। तो इस आंदोलन का मकसद वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम को इसराइली कब्जे से आज़ाद करवाना था। इस कारण 1987 में शुरू हुए इस आंदोलन को पहला इंतफिदा कहते हैं। अब इस मैप में आप इस गाजा चेक पोस्ट को देख सकते हैं। तो उस समय यहाँ पर हुई एक घटना से इस आंदोलन ने आग पकड़ ली। उस समय फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप इस चेक पोस्ट पर प्रदर्शन कर रहा था, इस कारण इसराइली सैनिकों ने इन पर गोली चला दी, जिसमें 4 फिलिस्तीनी लोग मारे गए। लेकिन इस घटना के बाद पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन शुरू हो गया
और उस समय तक ज्यादातर फिलिस्तीनी लोग बिना हथियारों के ही लड़ते थे, यानी हमेशा पत्थरबाजी करते हुए ये लोग विरोध करते थे। और इसी घटना के कारण हमास का गठन हुआ। साल 1988 में हमास ने अपना मकसद जाहिर किया कि इसराइल का विनाश करके फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग पर फिर से इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करेंगे हम, जिसके बाद धीरे धीरे आम फिलिस्तीनी लोग इस हमास संगठन के साथ जुड़ते गए और इसराइल और हमास के बीच छुटपुट हमले भी शुरू हो गए और ये विवाद बड़ा होता जा रहा था धीरे धीरे। इस कारण दुनिया के बाकी देशों ने इस विवाद को सुलझाने की काफी कोशिश की और आखिर में साल 1993 में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत फिलिस्तीन ने इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी और सामने इसराइल ने इस गाजा पट्टी और इस वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी सरकार के द्वारा शासन करने की छूट दे दी। लेकिन इस समझौते से सभी फिलिस्तीनी लोग खुश नहीं थे, क्योंकि कई लोग चाहते थे कि इसराइल को इस भाग से मिटा देना है और पूरे भाग पर फिलिस्तीन बनाना है, और ऐसे लोगों ने इस समझौते का विरोध करना शुरू किया, जिसमें सबसे बड़ा विरोध हमास के द्वारा किया गया था। इस कारण इस समझौते के बाद अप्रैल 1993 में हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर अपना पहला सुसाइड अटैक किया, जो हमला आगे चलकर हमास की पहचान बना, क्योंकि इस हमले के बाद हमास फिलिस्तीनी लोगों का सबसे बड़ा चेहरा बन गया था। इसके बाद भी हमास ने इसराइल पर आत्मघाती हमले जारी रखे, कभी बस में, कभी कार में, कभी कोई सरकारी भवनों और बाजारों में हमास ने कई सुसाइड हमले किए। इस कारण साल 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। दूसरी ओर इसराइल ने भी हमास को मिटाने की कई कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद हमास का प्रभाव और उनकी ताकत बढ़ती गई, क्योंकि इसके बाद कुछ अरब देशों से हमास को बड़ी फंडिंग मिलने लगी थी, जिसमें मुख्यत्वे ईरान का सबसे बड़ा हाथ था। अब ओस्लो एकॉर्ड जो हुआ था उसमें कई ऐसे काम थे जो आने वाले सालों में पूरे करने थे, लेकिन साल 2000 तक में, यानी इस समझौते के 7 साल बाद भी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो शांति होनी चाहिए थी वो अब भी हुई नहीं थी, यानी एक तरह से ओस्लो एकॉर्ड शांति करवाने में असफल हुआ था। इस कारण साल 2000 में कैंप डेविड सम्मेलन हुआ, जिस दौरान इसराइल ने पूरी गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक का करीब 90% हिस्सा और यरूशलेम का कुछ हिस्सा भी इसराइल फिलिस्तीन को देने के लिए राजी हुआ, लेकिन फिलिस्तीन ने इसराइल का यह ऑफर ठुकरा दिया, यानी यह शांति वार्ता भी नाकाम रही। अब फिलिस्तीन ने यह ऑफर क्यों ठुकरा दिया था? क्योंकि यह मामला थोड़ा सा अटपटा था। जब साल 1948 में बंटवारा हुआ था तब यह वेस्ट बैंक और यह गाजा दोनों बकायदा फिलिस्तीन के इलाके थे, यानी यह सब लौटाकर इसराइल कोई उदारता नहीं दिखा रहा था, क्योंकि इलाके तो 1967 के युद्ध में इसराइल ने कब्जा लिए थे फिलिस्तीन से, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक भी पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा फिलिस्तीनी इलाके ही है। इन पर इसराइल का कब्जा अवैध माना जाता है। ऊपर से इसराइल ने जेरूशलेम के कुछ गांवों को लौटाने का वादा किया था पहले, लेकिन बाद में इसराइल इससे भी मुकर गया। तो कैंप डेविड सम्मेलन की नाकामी से इसराइल फिलिस्तीन का माहौल खराब ही था। ऐसे में सितंबर 2000 में एक और बड़ी घटना हुई। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरोन जेरूशलेम के टेम्पल माउंट का दौरा करने गया। इनका मकसद यह था कि इस विवादित मंदिर पर इसराइल के दावे का प्रदर्शन करना, लेकिन इस घटना के बाद फिलिस्तीनी लोग और नाराज हो गया। फिलिस्तीनियों ने कहा कि इसराइल इस मंदिर पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, और इसी घटना के बाद शुरू हुआ दूसरा इंतफिदा। लेकिन इस बार यह आंदोलन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हिंसक था, क्योंकि इस बार इस इंतफिदा का लीडर था हमास संगठन। इस कारण इस दौरान हमास के लड़ाकों ने जमकर सुसाइड धमाके और बम ब्लास्ट किए इसराइल पर। सामने इसराइल ने भी वही किया, यानी दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की आम जनता को निशाना बनाया। और इसी दौरान अप्रैल 2001 में हमास ने इसराइल पर पहला रॉकेट हमला भी किया। लेकिन इसके बाद फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफत की साल 2004 में मौत हो गई और उनकी जगह महमूद अब्बास ने ले ली। लेकिन इनके पास ना तो अराफत जैसा सपोर्ट था और ना ही ज्यादा फिलिस्तीनी लोग इसे पसंद करते थे। इस कारण इनके सत्ता में आने के बाद हमास संगठन का कद और भी बड़ा हो गया और साल 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव हुआ, जिसमें हमास संगठन को बहुमत मिला। इसका मतलब यह था कि अब यह वेस्ट बैंक और यह गाजा पट्टी अब हमास के कंट्रोल में थी।
लेकिन इस चुनाव के बाद हमास और फिलिस्तीनी नेताओं के बीच की दरार और भी गहरी हो गई। पर फिलिस्तीनी नेताओं के पास इंटरनेशनल सपोर्ट था, दुनिया से अच्छा खासा फंड भी मिलता था इन्हें। लेकिन अराफत के जाने के बाद फिलिस्तीनी नेता भ्रष्ट हो गया और फिलिस्तीनी नेता किसी भी सूरत में इस वेस्ट बैंक का कंट्रोल खोना नहीं चाहते थे। लेकिन चुनाव के बाद वेस्ट बैंक अब हमास के कंट्रोल में थी। इस कारण फिलिस्तीनी नेता अब हमास को मिटाने की कोशिश में लग गई है। इसके बाद इस वेस्ट बैंक में तो काम बन गया और ये फिलिस्तीनी नेताओं के कंट्रोल में भी आ गई, लेकिन ये गाजा पट्टी हमास के ही कंट्रोल में रही। यानी इसके बाद फिलिस्तीनी आबादी अब दो भागों में बट चुकी थी, आधी वेस्ट बैंक में और आधी गाजा पट्टी में, और ऊपर से दोनों में सत्ता भी अब अलग अलग शासकों की थी। यानी इसके बाद अब पूरी फिलिस्तीनी आबादी का नेतृत्व करने के लिए और इनकी बात रखने के लिए कोई संगठित अथॉरिटी नहीं थी फिलिस्तीन के पास। इस कारण इसके बाद से अब तक यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ है। यह वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी नेताओं के कंट्रोल में है और यह गाजा पट्टी हमास के कंट्रोल में है, और ये दोनों एक दूसरे से आज भी लड़ते रहते हैं। लेकिन इसका इसराइल ने खूब फायदा उठाया। इसराइल ने फिलिस्तीन के साथ शांति वार्ता करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि जब तक हमास से गाजा की कमान नहीं छीनी जाती तब तक कोई शांति वार्ता संभव नहीं है, क्योंकि इसराइल जानता है कि ऐसा कर पाना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो इसराइल को फायदा ही फायदा होगा। तो ये गाजा पट्टी हमास के कंट्रोल में है। तो यहीं से 7 अक्टूबर 2023 के दिन इन हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर आत्मघाती हमला किया, जिसके बाद इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, और बाद में क्या कुछ हुआ वो आप सब अच्छे से जानते ही है। तो ये इतिहास था हमास संगठन का। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।